खसरा और रुबैला जैसी गंभीर बीमारी के खात्मे के लिए प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर से विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसकी शत प्रतिशत सफलता के लिए कोर कमेटी की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी की अध्यक्षता में सीएमओ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, यूनिसेफ सहित कोर कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि खसरा और रुबैला जैसी गंभीर बीमारी के रोकथाम के लिए 26 नवंबर से 15 दिनों तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, मदरसों में 9 से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा, जिसके लिए टीमें बना दी गई हैं और उसके पोस्टर का विमोचन मंगलवार को सीएमओ और कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी ने बताया। जिस स्कूल का और टॉयलेट वगैरह खराब हो या किचन खराब हो, वहाँ टाइम्स वाइज ऐसा नहीं होता है। हम मॉडल के रूप में रहेंगे, क्योंकि पार्टी की एक बात है, जहाँ पे टीचर से हमारी पहचान हो, वही रखता है, वहाँ हमारी पहचान है और उसके बगल में ही प्राइमरी पहले इसको कवर कर ठीक। उसके बड़ा मेरा मेम्बर एक्चुअली पार्टिसिपेट है, करो क्या ठीक कर लीजिएगा। तो वो पहचान जगह के लाइन्स के मेंबर की अपार कर रहे हैं, तो आप ही ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पूछना नहीं पड़ेगा किसी को, इसमें वो भी कर एमआर वैक्सीन, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन का एक कैंपेन हमारा 26 नवंबर से चलने वाला है, जिसमें कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब, यूनिसेफ, WHO सभी के सहयोग से हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगवा रहे हैं और हमारी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट पूरी हो चुकी है, सारी वैक्सीन हमारी आ चुकी है और हम इसको उस दिन से शुरू करेंगे, जिसमें हमारी टीमें बनी हुई हैं। इसमें जनपद के समस्त स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों, चाहे वो पाठशालाएँ छोटी पाठशालाएँ हों, चाहे हमारे मुस्लिम बंधुओं के स्कूल हों, सभी स्कूलों में ये अभियान चलेगा और सारे बच्चों को हमें कवर करना है जो 9 वर्ष से 15 साल के उसमें आते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पे और डोर टू डोर, या ये कह लीजिए कि हमारी टीम लगा के गाँव में वैक्सीनेशन करेंगी, उसमें हमारे 9 महीने से लेके और 2 साल 3 साल तक के बच्चे भी कवर होंगे। और ये एक अभियान बहुत मेहनत से, जोश से करना पड़ेगा, जिससे कि इसमें 100% सफलता मिले, अन्यथा अगर हम कुछ परसेंट भी रह जाएंगे तो हमें ये अभियान दोबारा पुनः करना पड़ेगा। तो इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, उसी संदर्भ में हम अभी यहाँ बैठक भी कर रहे हैं रोटरी क्लब और लायंस के साथ, और इन सब का पूरा सहयोग मिल रहा है। 15 दिन के लिए चलेगा, शुरू के हफ्ता 10 दिन हम केवल स्कूल्स में ये करेंगे, क्योंकि अगर आज हम स्कूल में हमारी टीम गई, 4 बच्चे एबसेंट हैं, तो एक हम मॉपअप राउंड चलाते हैं, वो एबसेंटीज वालों को फिर से करते हैं, तो वो चलेगा। और उसके बाद एक हफ्ता हम कैंप्स लगा के जो छोटे बच्चे हैं, जो छूट गए हैं, जो गाँव में हैं, उनको वैक्सीनेट करेंगे।